हाय गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू स्टाइल विद शारिका चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप कांच की चूड़ियों को किस तरीके से मिक्सर एंड मैच कर सकती हैं। अगर आपके पास मोटे मोटे वाले कड़े नहीं हैं और चूड़ियां हैं और चूड़ियों से ही आपको अपने डिजाइन बनाने हैं चूड़ियों के, तो आप किस तरीके से उसको मिक्सर एंड मैच कर सकती हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है एंड कांच की चूड़ियां हर एक लोगों के पास रहती है। कई बार तो जो मोटे वाले कंगन होते हैं वो मैच नहीं करते हैं हमारे ड्रेस के साथ, तो कांच की चूड़ियां हमारे पास रहती है। तो चलिए इस वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे है मेरे पास कुछ कांच की चूड़ियां, साथ में एक दो ही बैंगल्स मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ। दो तीन तरह का ही मेरे पास कांच की चूड़ियां है। इसके जरिए ही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी मिक्सर एंड मैच करना। तो सिंपल से जो कांच के डब्बे आते हैं ना, वही वाला है। और ये हमें मिल जाता है 30, 35, 40 ऐसे ही एक डब्बे मिल जाते हैं। अभी पहले तो और भी कम प्राइस में मिलता था, लेकिन अभी इसका रेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मेरे पास बैंगल्स है, ये देखिए ऑरेंज शेड में है, ये कांच का है, वेलवेट वाला। और वेलवेट वाले जो बैंगल्स होते हैं मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और इसमें डिजाइन वेजाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। एंड उसके बाद मेरे पास है ये रानी कलर का, ये भी कांच की ही चूड़ियां हैं। और कांच की चूड़ियां के अलावा मेरे पास जो कड़े होते हैं उसके भी कलेक्शन बहुत सारे हैं, आगे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। एंड यहाँ पे है मेरे पास ग्रीन कलर का कांच का बैंगल्स। तो आप देख सकते हैं तीन तरह का यहाँ पे आप देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें हमारी साड़ी में दो कलर होते हैं। अगर आपके साड़ी में कुछ इस तरीके से ऑरेंज कलर है तो आप प्लेन ऑरेंज चूड़ियां डालो और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लगता अगर आप प्लेन ऐसे डाल लेते हो, ठीक है। अगर आप प्लेन डालते हो और आपके बॉर्डर में कहीं ना कहीं अगर रेड कलर का कुछ भी, अगर इतना छोटा सा भी स्टोन दिया हुआ है ना, रेड कलर या रानी कलर, तो आप किस तरीके से मैच कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये दो चूड़ियां साइड में हो गई और फिर दो चूड़ियां इस साइड में मैं लगा दे रही हूँ। ये आप देख रहे हो, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, चार पीस ले लेना है चूड़ियों का। उसके बाद हमें यहाँ पे दो चूड़ियां और लगाना है। तो सिर्फ मैं आज आपके साथ कांच की चूड़ियों का ही दिखा रही हूँ। यहाँ पे दो चूड़ियां मैंने लगा लिया, फिर चार, यहाँ पे चार चूड़ियों लेने के बाद यहाँ पे दो चूड़ी हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये देख सकते हो एक हाथ का बैंगल्स बन गया और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ कितना ज्यादा ये अट्रैक्टिव लग रहा है। जो प्लेन चूड़ी थी ना, उससे कहीं ज्यादा सुंदर ये वाला बैंगल्स लगने लगा। और इस तरीके से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, इतना ज्यादा सुंदर लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और कांच की चूड़ियों की बात ही कुछ और होती है। हम कितने भी कड़े वगैरह पहन ले, लेकिन कांच की चूड़ियां पहनेंगे तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। उसके बाद गाइज इस हाथ को तो इसमें तो हम इसको रहने ही देते हैं। उसके बाद मैं दूसरा आपको ट्रिक दिखाती हूँ। एक देखिए, एक मेरी चूड़ी जो है ये टूट चुकी है, ये देख रहे हैं। दूसरा जो मैं ट्रिक दिखाने वाली हूँ, मान लो कि आपके पास इतनी चूड़ियां एक हाथ में पहननी है और एक हाथ में आपको रेड या फिर मैजेंटा कुछ पहननी है, तो ये चूड़ियां टोटल हमारे पास हो गया है 7 चूड़ी। तो 7 चूड़ी और हम ले लेंगे, जैसे 4 है 5 6 7। और इसका हमें क्या करना है, इस तरीके से बनाना है दो पार्ट में। दो पार्ट में कहने का मतलब है, अगर आपका जो बॉर्डर है वो रेड कलर का है और आपकी जो साड़ी है ये येलो कलर की है, तो आपकी जो साड़ी का जो कलर है ना येलो कलर, इसको आपको अंदर हाथ की अंदर की तरफ ले जाना है, मतलब बाहर की तरफ चूड़ियों को नहीं रखना है। इससे ना आपका जो साड़ी है वो भी बहुत इनहेंस होके आता है और बॉर्डर का जो कलर है वो हमको आगे रखना है, क्योंकि हम बॉर्डर जो होता है सर पे से आएगा, उसके बाद ये चूड़ियां भी आएंगी। तो देख सकते हैं ये भी एक स्टाइल हो गया, बहुत ज्यादा ये सुंदर लगता है ये वाला भी जो है। उसके बाद अगर आपको इसको मैं निकालती हूँ, और भी मैं इसी दो चूड़ियों में और भी आपको मैं आपको डिजाइन बना के दिखाती हूँ। एक डिजाइन ये हो गया, दूसरा मैंने आपके साथ दिखाया है, एंड तीसरा जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसमें आपको क्या करना है कि ये जो कांच की चूड़ियां हैं इसको आपको 5-5 लेनी है, ठीक है। 5-5 आप 5-5 चूड़ियां ले लो। उसके बाद ये 7 ले लो, 8 ले लो ये चूड़ियां, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है फिर से 5 चूड़ियां, ये जो साइड साइड में मुझे लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से एक हमारा जो डिजाइन है ये बन जाता है, ये हो जाता है एक हमारा डिजाइन। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, दो जो चूड़ी है ना, दो चूड़ी आप ये इस तरीके से कर लो, ये देख रहे हो,
इसमें से भी दो चूड़ी निकाल के आप दो येलो वाले चूड़ी के बगल में डाल लो। और अब आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा ये सुंदर लगने लगा है। और आप चाहो तो आप थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल भी कर सकते हो, जैसे कि ये ऑरेंज वाला है ना, ये रेड वाला चूड़ी है, सॉरी ये मैजेंटा है, मैं रेड ऑरेंज बार बार बोल रही हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, बीच में आपको डालना है दोनों तरफ बराबर बराबर, और उसके बाद ये देखिए ये कितना अच्छा स्टाइल बन गया। और आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके पास 5 से 6 सेट चूड़ियाँ होंगी ना, तो आप बहुत सारे साड़ियों के साथ इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगता है इस तरीके से कांच की चूड़ियाँ पहनना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे पास वेलवेट की जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। एंड उसके बाद गाइज एक और मेरे पास ग्रीन है, चलिए ग्रीन को भी मिक्स एंड मैच करके मैं दिखाती हूँ ग्रीन को किस तरीके से मिक्स एंड मैच करना है। तो यहाँ पे हो गई ग्रीन चूड़ियाँ। अगर अक्सर आप लोग देखोगे, अगर आप चूड़ियाँ खरीदते जाते होंगे तो शॉप वाले बहुत ही अच्छे से वो मिक्स एंड मैच करते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन एंड ऑरेंज का मैं कुछ कॉम्बिनेशन लगाती हूँ, या फिर मैं तीनों का भी लगा के दिखाऊंगी, तीनों कलर का। तो यहाँ पे ये ग्रीन हो गया, एक तो ये वाला सेट हो गया, इस तरीके से हम बना के पहन सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ग्रीन लगा के ये दोनों साइड में इस तरीके से लगा के पहन सकते हैं। इस अगर आपका बॉर्डर येलो है, साड़ी ग्रीन है, तो आप इस तरीके से भी लगा के पहन सकते हैं। अगर आपका बॉर्डर ग्रीन है, साड़ी येलो है, तो आपको फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ना आप एकदम पहनोगे ना किसी तरीके से तो वो बहुत भद्दा लगता है। अगर आपका ग्रीन बॉर्डर है तो ग्रीन बॉर्डर जो होता है ना वो चूड़िया उस कलर का बाहर आपको रखना होता है। तीन कलर है तो आपको क्या करना है, ये ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, एंड इसमें से आपको ज्यादा ज्यादा फिर बैंगल्स नहीं लेने हैं, बैंगल्स आपको कम कम लेने हैं। अगर आपके साड़ी में तीन कलर है तो आपको बैंगल्स कम लेने हैं। और ये आप देख सकते हो इस तरीके से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो चूड़ियां, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा मत सोचना कि तीन कलर हो गया ये तो बहुत भद्दा लग रहा है, नहीं, जब आप साड़ी के साथ इसको डालोगे तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और आपकी पर्सनैलिटी को भी एनहांस करेगा, एंड सब सोचेंगे यार किस तरीके से मिक्स एंड मैच किया है। तो ये एक डिजाइन हो गया इसका, मल्टी कलर बनाना है। जैसे कि हमारी साड़ी जो होती है वो एकदम ही मल्टी कलर होती है, तो आपको क्या करना है, ये ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर से हम ग्रीन लेंगे, फिर से हम मैजेंटा कलर लेंगे, फिर से येलो लेंगे, फिर से ग्रीन लेंगे, फिर से मैजेंटा लेंगे, फिर से येलो लेंगे, फिर से ग्रीन लेंगे, फिर से मैजेंटा कलर लेंगे, फिर से येलो लेंगे, फिर से ग्रीन लेंगे, फिर से मैजेंटा लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से जो मल्टी कलर वाली चूड़ियां बनती है इस तरीके से बनती है, ये देख सकते हैं कितना सुंदर है। और इस टिप्स को आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, जब आप इसको डालोगे ना साड़ी के साथ तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है और आपका हाथ बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। सब सोचेंगे कि आप नए नए चूड़ियां कितने चूड़ियां खरीदते हो, लेकिन देख सकते हैं ना कितनी अच्छी ये चूड़ियों के डिजाइन बन गए हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। गाइज आप इस तरीके से आप ट्राई करके देखना सूट के साथ या फिर साड़ी के साथ। और प्लेन चूड़ियां ज्यादा आप लेना, कभी भी आप कलेक्शन में रखते हो ना सोचना कि प्लेन चूड़ियां आप ज्यादा रखें और जो इसके ऊपर डिजाइन विजाइन दिया होता है उसको आप कम रखना। देख सकते हो ना कितना ज्यादा ये सुंदर लग रहा है, बहुत ही मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है ये वाला जो बैंगल्स है। उसके बाद आपको दोनों साइड में आपको मैजेंटा रखना है और बीच में ये बहुत सारा रखना है, मतलब ढेर सारा। अगर आपको एक हैंड में चूड़ी पहननी है तो आप इस तरीके से ट्राई करो, ये वाला भी डिजाइन बन गया। देख सकते हैं ना कितना इजी है इन कांच की चूड़ियों को मिक्स एंड मैच करना, और आप लगेगा आपको कि हमेशा ही आप नए नए कलेक्शन लेते रहते हो आप अपने चूड़ियों के। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं आपको ना कुछ एक दो बैंगल्स का भी दिखा देती हूँ। वैसे तो था मेरा कि बस मैं इसमें कांच की चूड़ियों को ही डिजाइन बनाना मैं दिखाऊं, लेकिन मैं बैंगल्स का भी आपको दिखा देती हूँ। ये रहा बैंगल्स, तो कभी भी आप कड़े पहनते हो ना तो कड़े आप नॉर्मल हम क्या करते हैं, एक हाथ में ये पहन लिया, एक हाथ में ये पहन लिया, ठीक है, ये तो सिंपल सा ट्रिक है। लेकिन आप एक हाथ में ना वॉच को पहनो और एक हाथ में आप इस हैंड में वॉच पहन लो और दूसरे हाथ में दोनों बैंगल्स को पहन लो, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। तो आप इस तरीके से ट्राई करके देना एक हाथ में दोनों बैंगल्स पहन के। ये हो गया एक टिप्स। एंड उसके बाद ना मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ, अगर आपके पास बहुत सारे बैंगल्स हैं तो आप ना दो तरह के बैंगल्स पहनो एक हाथ में। ये जो है ना, यहाँ मैं दो तरह के देखिए बैंगल्स पहने, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, आप दोनों हाथ में इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। और ये ज्यादातर हैवी सूट के साथ ज्यादा सुंदर लगता है या फिर साड़ी के साथ ज्यादा सुंदर लगता है। तो हैवी हैवी वाली जो बैंगल्स है ना इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हैं कितना ज्यादा ये सुंदर लग रहा है। उसके बाद आ गया ये पतले वाले, पतले वाले तो आप सिंगल सिंगल डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो एक ही हैंड में दोनों को डालो, एक हैंड में वॉच पहन लो, ये भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो आप इस तरीके से ट्राई करके देखना, ये देख सकते हो ये है मेटल, ये मैंने
अमेजोन से लिया था। बहुत ही सुंदर सा पीस है, आप लोग ले सकते हैं। इसका कलर वगैरह कुछ नहीं गया है, बहुत ज्यादा मुझे प्यारा लगता है। तो इस तरीके से गाइज आप कुछ अपने बैंगल्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।